لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما واللعنة الله على عداء مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب الشح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك

हमने दीन की ज़रूरत देखी सेकेंड लेक्चर में हमने अल्लाह की एग्जिस्टेंस उनकी वहदानियत और उसकी जो है ज़रूरत के बारे में देखा थर्ड में जो है हमने अल्लाह की अदालत अल्लाह के जस्टिस के बारे में देखा फोर्थ लेक्चर में हमने जो है नबूत के बारे में डिस्कस किया फ़िफ्थ लेक्चर में हमने नबियों की स्टोरीज़ के बारे में डिस्कस किया कल के सिक्स लेक्चर में जो है हमने, हमने डिस्कस किया कि क्यों रसूलुल्लाह रसूल सल्ला वसल्लम के बाद एक, एक इमामत के सिस्टम का होना ज़रूरी है खलीफ़ा के सिस्टम का होना ज़रूरी है और क्यों अल्लाह जो है ख़लीफ़ा अपॉइंट करता है और क्यों हम मजहब मज़ब अहलबैत में मज़हब शिया में जो है हम अमीर इमाम अमीरमिन इमामब्न अबी तौलतम के अलावा किसी और को भी जो है अपना ख़लीफ़ा नहीं मानते हमने देखा कि किस तरह सकीफ़ा बनु सदा में जो है लोगों ने अमीर इमाम अमीरमिन इमामब्न अबी तौब की खिलाफत को गस्ब किया और खुद जो है मनसब खिलाफत पर बैठ गए जिसके वो हकदार नहीं थे और किस तरह गैर मासूम के खिलाफत पर बैठने की वजह से जो है करबला जैसी इवेंट हुई आज हम देखेंगे क्यों हम अमीर इमाम अबी तलब को अपना इमाम और अपना खलीफा अपना पहला इमाम मानते हैं हमने देखा कि भाई हमने कहा कि भाई अल्लाह अपॉइंट करता है हमने जो है सूरह बकरा की दो आयतें कल देखी थी आयत नंबर 124 और आयत नंबर 30 के अल्लाह अल्लाबहान व इन दोनों आयतों में फरमाता है एक आयत में जनाब इब्राहिम के बारे में डिस्कस करते हुए कहता है इन्नी जायल का लन्नासी इमामा और तो दूसरी तरफ इन्नी जायल का खलीफा जनाब आदम की स्टोरी डिस्कस करते वक्त तो हमने क्लियर देखा कि अल्लाह जो है अपना खलीफा और अपना इमाम अपॉइंट करता है कुरान से हमने प्रूफ देखा तो अब देखते हैं कि क्या कोई प्रूफ है कुरान में कि अल्लाह ने इमाम अली तालिब अलैहिस्सलाम की जो है मंजिलत उनकी जो है विलायत को जो है बताया है बहुत यहाँ एक, 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 एक किताब रखी हुई है जो पीछे है जिसमें एक हजार आयत है जो अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलीब्न अभी तौलिब्लात वाम के बारे में नाजिल हुई बहुत सी आयतें हैं आइए कुछ आयतों के बारे में देखते हैं सबसे पहले सूरे शुरा की आयत नंबर 214 यानी सूर्य नंबर 26 की आयत नंबर टू हंड्रेड एंड फोटी छब्बीसवें सूर की दो सौ चौदह आयत में अल्ला बसम अशरतिकल अकरबीन अपने नियरेस्ट रिलेटिव को बुलाओ स्टोरी को जो है हमने रसुल्लम की लाइफ हिस्ट्री में कवर कवर किया था हमारे माह रमज़ान लेक्चर सीरीज़ में जस्ट एक शॉर्ट यहाँ पे जो है उसका जिक्र करते हुए रसूल्ला वसम पे वही नाजिल हुई कुछ टाइम बाद अल्लाह ने कहा इस आयत को नाजिल किया और कहा कि अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को जो है तुम दावत पर बुलाओ और उन्हें जो है दीन इस्लाम के बारे में बताओ अब रसोल्ला ने अपने इस आयत के नाजिल होने के बाद कि अपने नियरेस्ट रिलेटिव को जो है बुलाओ रसोल्ला ने जो है सबको बुलाया तीन दिन तक दावत की दो दिन तक अबू अहब ने मस्ती की सबको भगा दिया क्योंकि उसे पता था कि रसोल्ला सल वसम जो है क्या अनाउंस करने वाले इसीलिए जो है उसने डिस्टरप्ट कर दिया सब लेकिन तीसरे दिन जनाब अबू तालिब ताल ने अबू लहब को बिठाया और रसूल्ला से कहा कही आपको जो कहना है तब जनाब अबू तालिब तालम ने जब अबू वहब को बिठाया तब रसूल अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह ने मुझे नबी अपॉइंट किया और ने इस्लाम दिया और किताब दी है और जो भी मेरे इस काम में मेरी मदद करेगा वो मेरे बाद मेरा वसी मेरा जानशीन और मेरा खलीफा होगा तो अब सारे शिया सुन्नी किताबों में मौजूद है कि इस इंसिडेंट में जो शख्स रसूल की मदद के लिए खड़ा हुआ वो थे इमाम अली तालिब जब रसोल्ला अपने मैसेज का ऐलान कर रहे तभी ही जो है उन्होंने अभी तो दस साल मक्के में तेरह साल मक्के में जिंदगी दस साल मदीने में जिंदगी पहले ही फर्स्ट में ही अनाउंस हो गया कि मेरे बाद मेरे वसी मेरे जानशी मेरे खलीफ़ा अमीरमीन इमाम अलीबन अभी पालिबल होंगे फर्स्ट इंस्टेंस सेकेंड इंस्टेंस सूर मायदा की सूरा नंबर फाइव की आयत नंबर फिफ्टी फाइव में अल्लाह व त फ़रमाता है बसमिल्ल रन रहीम इन नमावली को व रसूल हो आमन सलात व ज़क़़त वह मुफस्टरीन इस आयत के बारे में देखते हैं कि मुफस्न जो है कहते हैं कि ये आयत जो है जब नाजिल हुई कब नाजिल हुई जब अमीर इमाम अली ने जो है अंगूठी जो है नमाज में दी आयत क्या कहती है बस्मिलियो यकीनन अल्लाह तुम्हारा वली है व रसूल और उसके रसूल तुम्हारे वली है यानी अल्लाह तुम्हारा गार्डियन है अल्लाह तुम्हारा संभालने वाला है

तब एक फ़कीर आया मस्जिद ए नबी और कहा कि अल्लाह है कोई जो मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे किसी ने कुछ नहीं दिया वो मांगता रहा मांगता रहा फिर उसने अल्लाह की बारगाह में कम्प्लेन किया कि मैं तेरे नबी की मस्जिद से खाली जा रहा हूँ जब उसने डायरेक्ट मांगा तब अमीर उलमिन ने नहीं सुना क्योंकि वो नमाज में अमीर उलमिन का अल्लाह की बारगाह में कॉन्सेंट्रेशन था लेकिन जब उसने अल्लाह की बारगाह में फकीर ने फरियाद किया कि मैं तेरे नबी की यहाँ से जा रहा हूँ अमीर अल्लाह की बारगा के इतने नजदीक थे कि उन्होंने फकीर को इशारा किया और फ़कीर अंगूठी जो है अपनी हालत रुकू में जो है उसको दे दी जक़ात दे दी तो ये आयत उसके बाद फौरन नाजिल हुई कि अल्लाह तुम्हारा वली अल्लाह तुम्हारा गार्डियन है और उसके रसूल और वो लोग तुम्हारे गार्डियन हैं कि जो नमाज कायम करते हैं ईमान लाए नमाज कायम करते हैं जक़ात देते हैं जब वो हालत रुकू में हो जब वो रुकू की हालत में हो तो ये हमने सेकेंड इंस्टेंस देखा थर्ड इंस्टेंस सूर नंबर फोर की आयत नंबर फिफ्टी नाइन में अल्लाबहने वाली क़ुरआन मजीद में फरमाता है ये आयत हमने कल भी डिस्कस की थी कि बसमन अति व अती रसूल व उलिल अमर मिनकुम अल्लाह की इतात करो उसके रसूल की इतात करो और उन लोगों की जो तुम्हें से रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हो अब ये कौन है रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने वाले क्या यजीद हमारा उलिल अम्र हो सकता है कि जो शराब पीता है जो नमाज नहीं पढ़ता जो गंदी गंदे काम करता है नहीं यकीन ये उलिल अम्र कोई वो हो जिसे अल्लाह ने अपॉइंट किया इस आयत को हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था इसके बाद हम देखते हैं कि सूरा नंबर फोर्टी टू शोरा की आयत नंबर ट्वेंटी थ्री में जो है अल्लाह फरमाता है कुल अजरन यानी जब लोगों ने रसोल्ला से कहा कि आपने जो हमें दीन इस्लाम सिखाया हमें जहालत से बाहर निकाला तो हम आपको क्या गिफ्ट दें तो अल्लाह अल्लाबहान ने इस आयत को नाजिल किया कि कह दो कुल लाकुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे कोई अजर नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तुम मेरे जो करीब है उनसे जो है मोहब्बत करो और ये करीब कौन है ये बीबी सलामुल्लाह अलैहा और उनकी जो है आल वो जो है ये करीब लोगों में से हैं इसके बाद अगली आयत हम सूर्य एज़ाब सूरा नंबर थर्टी थ्री की आयत नंबर थर्टी थ्री में देखते रहीम लेबा कु से रोराई को गंदी चीजों को आपसे दूर रखें व्युप हेरा कम और आपको उस तरह पाक रखे जिस तरह पाक रखने का हक़ हाँ है तो ये जो अहल बैत है हदीसों में मौजूद है यहाँ तक कि अहले सुन्नत की किताब सही बुखारी में भी ये मौजूद है कि अहले बैतुम सलाम में जो है अमीरमीन इमाम अलीबनाबी तो बीबी फ़ातिमा जहरा सकी आला है उनकी जोजा जो है अहल बैत में नहीं आते और ये आयत सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है और ये उनकी किताब है हाँ उनकी किताब उनके रेफरेंस के लेकिन हमारे लिए हदीसे किस्सा है कि जिसमें हम पढ़ते हैं कि ये जो अहिल किसा थे वो अमीर उलमिन बीबी बीफात ज़ारा सलाम और उनकी जो है आलती इमाम हसन इमाम हुसैन और बाकी के नौ इमाम उसके बाद सूर्य आल इमरान सूर्य नंबर थ्री आयत नंबर सिक्सटी वन में अल्ला मुबाह की इवेंट को डिस्कस करता है क्या था मुबाहिला का इवेंट के जब नजरान के जो क्रिश्चियंस थे वो और उन्होंने कहा कि हम जो है आप में ईमान नहीं लाते हम जो है आपको नबी नहीं मानते तो अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में इस आयत में फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم और उसके बाद अगर कोई आपसे इस मामले में डिबेट करे डिस्प्यूट करे जबकि उनके इल्म में आ चुका है तो कहो कि आओ तुम अपने बेटों को ले आओ हम अपने बेटों को ले आते तुम अपनी औरतों को ले आओ हम अपनी औरतों को ले आते तुम अपने जैसों को ले आओ हम अपने जैसों को ले आते हैं और फिर सब मिल जो है अल्लाह की लान झूठों पर करते हैं तो जब इसमें किसको ले गए रसूल्ला बच्चों में इमाम हसन इमाम हसेन औरतों में बीबी फातह जहरा सलाम और अपने जैसों में सारे साहबी सोच रहे थे कि रसूल्ला अपने जैसा किसको मानते मानते अपने जैसे किसको ले जाएंगे तो रसुल्लाम ने सारी किताबें मौजूद है कि मैदान मबाइला में अपने जैसों में जो है

अमीर की विलायत उनकी इमामत सबसे ऊपर है और किसी और को इमामत अमीर वमी और उनके बाद ग्यारह इमामों के अलावा किसी और को भी जो है इमामत विलायत का जो है हक हाँ, नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अपॉइंट करता है अब ये हमने कुरान देख लिया अब आते हैं हदीस पर राइट क्योंकि हम जानते हैं हमने रसूल की पढ़ाई मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी इतरत मेरे बैत अगर तुम इन दोनों से मुतमस्क रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे कभी भटकोगे नहीं अगर तुम इन दोनों से अटैच रहोगे तो आते हैं रसुल्ला की एक हदीस पे हदीसें मंजिलत जंग तबूक के टाइम जब रसुल्ला सल्लाम जा रहे थे तो उन्होंने अमीर उम्मीन को मदीने में रखा क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ लोग मदीना में कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे इसीलिए रसुल्ला चाहते थे कि कोई उनके जैसा हो जो मदीने में रहकर सिचुएशन को कंट्रोल करे तो इसीलिए रसुल्ला ने अमीर उमिन को मदीने में रखा तो लोगों ने र्यूमर्स फैलाए कि रसूल्ला इमाम अली से नाराज़ है इसलिए उनको जंग पे नहीं ले जा रहे तो अमीर उमिन गए कि रसोल्ला लोग ऐसे कह रहे तो रसोल्ला ने कहा ए अली क्या तुम इससे खुश नहीं हो कि तुम्हारी मंजिलत तुम्हारा लेवल मेरे नज़दीक वैसा है जैसा जनाब मूसा के नज़दीक जनाब हारून का था अन्ना नबी आबादी सिवाय इसके कि मेरे बाद जो है कोई नबी नहीं है जनाब हारून और जनाब मूसा का क्या था कि जब जनाब मूसा को तूर पर गए माउंटेन ऑफ तूर पर गए थे तब उन्होंने जनाब हारून को कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गए थे तो रसोल्ला ने कहा कि उसी तरह जिस तरह जनाब मूसा के लिए जनाब हारून एक वजीर थे एक असिस्टेंट थे उसी तरह मेरे लिए तुम उसी तरह हो सिवाय ऐसे कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है उसके बाद शुरह तोबा जो सूर नंबर नाइन है Allah ने 114 सौ चौदह जो है कुरान मजीद में नाजिल किए राइट वन हंड्रेड एंड थर्टीन को अल्लाह ने बिस्मिल्ला से शुरू किया बिस्मिल्लाहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है हर जगह अल्लाह ने अपनी रहमत बताई लेकिन सिर्फ एक सूरह है कि जिसमें अल्लाह ने बिस्मिल्ला से शुरू नहीं किया वो है सूर बरात सूर तोबा सूरह नंबर नाइन अब जब कुफ़ार मक् बहुत जुल्म करने लगे तो अल्लाह ने कहा कि बस अब रहमत इनके लिए ख़त्म और अल्लाह ने जो है सूर तौबा सूर बारात का ऐलान नाजिल किया रसूल्ला पे तो अबू बकर जो थे वो गए सूर्य तोबा का लेके रसूल्ला ने कहा जाओ आप जो है कुफ़ार मक् के सामने सूर तोबा को ऐलान करो उनको सुनाओ अब जैसे ही वो अबू बकर को भेजा रसोल्ला ने जनाब जब्रैल नाजिल हुए कि अल्लाह कहता है कि या आप या आप जैसा कोई हो जो कुफ़ार मक्का को मैसेज पहुँचाएँ रसोल्ला ने फ़ौीलमीन से कहा कि जाओ अबू बकर से सूर तोबा लो और अमीरी इमाम अली यब ने अबी तालबलम से कहा कि आप जाकर जो है कुफ़ार मक् को सूर तोबा बताएँ तो यहाँ भी क्लियर है कि किस तरह अल्लाह ने अमिर इमाम अली अभी तालबलत वसलाम को जो है फ़ज़ीलत दी मंजिलत दी और आखिर में सबसे बड़ा जो इवेंट जिस आयत की मैंने स्टार्ट ऑफ़ द लेक्चर में तिलावत की राइट कि अल्लाह सुबहान व तालन मजीद में कहता है जब आखिरी हज करके रसूल लौट रहे थे गदीर के मैदान में अल्लाह ने आयत नाजिल की बस्मिल्ल अरमानरहिम या अय्यो हर रसूलो ए रसूल एलान कर दो माउंजिला जो ऐलान करने को कहा गया है तुम्हारे रब की तरफ से फिल अगर तुमने ये ऐलान नहीं किया फमा फमाबलता रसाल था तो रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया तेरह साल मक्के में पत्थर खाए लोगों के कचरे लोगों ने कचरा फेंका लोगों ने मजनून कहा इतनी तकलीफें उठाई दस साल मदीने में लोगों ने इतनी जंगें की अल्लाह क्या कह रहा है अगर ये नहीं पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम नहीं किया व अल्लास मुकाम और अल्लाह जो है तुम्हें लोगों के शर से बचाएगा इन अल्लाह कौमल काफिरन अल्लाह काफीन की हिदायत नहीं करता यह आयत जब नाजिल हुई तो रसोल्ला मैदान गदीर में थे रसोल्ला ने सबको जमा किया जो आगे चले गए तो उनके लिए उनको पीछे बुलाया जो पीछे रुके तो उनके लिए रुके और जब सब जमा हो गए तब रसोल्ला ने खुतबा दिया और सबके सामने अमीर को दोनों बाजू उस पर इतना उठाए गए रसूल खुद जो है छुप गए और कहा मौला जिस जिसका मैं मौला हूँ उस उसके ये अली मौला है और जिसने सबसे पहले अमीर को उठ कर मुबारकबाद दी लोगों में से वो था उमर अबन खत्ताब जिसने कहा अबी तालिब और ये जो अमीर का जो टाइटल है ये सिर्फ और सिर्फ इमाम अबी ालिब्लाम के लिए यूज़ किया जाता है छठे इमाम इमाम जाफ़र सदक सलात से को किसी ने अमीर उमिन कहा इमाम सदक ने कहा यह टाइटल ये अमीर का जो लक़ब है ये सिर्फ और सिर्फ इमाम अली के लिए और कोई भी जो है अमीर का टाइटल लिए नहीं कर सकता और जैसे ही तालियों तालियों तो की विलायत को मैदान गदीर में सबके सामने क्लियर कर दिया उसी वक्त अल्लाह ने आयत नाजिल की बिस्मिल्लर अल अकमल तोल दीन कम वम तो लकुम इस्लाम दीना आज के दिन हमने जो है अल्योम अकमल तो लकुम दीन हमने तुम्हारे दीन को कम्प्लीट कर दिया वह हमारी तोम तुम पर तमाम कर दी वह रजी तो इस्लाम दीन और हम दीन इस्लाम से राजी हैं और ये सारे किताबों में मौजूद हैं सारी किताबों में के मैदान गदीर में और सिर्फ एक नहीं कई लोगों ने इस हदीस को नरेट किया है अला जो हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे उन्होंने अल गदीर नाम की किताब लिखी है कि जिसमें उन्होंने सारी किताबों से शिया की किताबों से सुन्नी की किताबों से सारी किताबों से जो उन्होंने प्रूफ लिखे कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने अमीर इमाम अली तले व सबूत दिया है खुद कहा है इंक्लूडिंग अबू उमर उस्मान आयशा जनाब सलमान जनाब अबूजर जनाब मकदाद जनाब अम्मार जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी बीबी फातिबरा सलाम इमाम हसन इमाम हसैन आलाम अब्दुल्लाह इब्न उमर सब के बारे में सब ने जो है अपनी आ, ये रवायत नकल की जनाब इब्न अब्बास सब ने नकल की मुतवा हदीस यानी इसको कोई जो है रद्द नहीं कर सकते एकदम सही हदीस है कि मैदान गदीर में अमीर को जो है रसूल ने अपने बाद अपना जानशीन और अपना खलीफा अपॉइंट किया ये था अठरा जिलहज टेंथ ईयर आफ्टर हिजरा और बस दो महीने के अंदर अंदर अट्ठाईस सफर लेवंथ हिजरी में जो है जब रसूल सल्लाम की इस दुनिया से शहादत हुई उसके बाद लोगों ने जो है इस गदीर के अनाउंसमेंट को भुला दिया लोगों ने उन सब आयतों को भुला दिया हदीस मंजिलत को भुला दिया आयत विलायत को भुला दिया आयत मददत को भुला दिया आयत तथहर को भुला लिया सारी आयतों को लोगों ने भुला दिया और लोगों ने जो है ख़िलाफत को अमीरमीन से गसब कर लिया सैद फ़ातिमत जहरा अलैहा का दरवाज़ा जलाया गया उन पर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया अमीरमिन के गले में रस्सी का फंदा डाला गया वही जिसे बखिन बखिन अली अमीरमिन कहा था उसने अमीरमिन पर म किया सैद जहरा अलैहा पर म किया और उन्होंने ही जो है सकीफ़ा बनु सायदा में अमीर उमुमिन से ख़िलाफ़ छीन अलैहिस्सलाम पर जो जुल्म सितम का सिलसिला शुरू किया वो जुल्म सितम का सिलसिला सैदातमद जहरा की शहादत में हुआ जनाब महसिन की शहादत में हुआ उसके बाद अमीरमिन इमाम अली तालिब अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ मुआविया इब्न अबी सूफिया ने जंग सिफीन में जंग लड़ी उसके बाद उनको जो है सजदे की हालत में 21 रमज़ान को शहीद किया गया इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुआविया ने जादा बिन अशअस के थ्रू शहीद करवाया और आखिर यजीद मुआविया ने मैदान करबला में इमाम हुसैन असलात वाम को तीन दिन भूखा और प्यासा रखने के बाद शहीद किया यह जुल्म की शुरुआत करबला में नहीं बल्कि अलैहि वसल्लम की शहादत के फौरन बाद अट्ठाईस सफ़र सकीफ़ा बनुसायदा में हुई कि जब अमीरमी से ख़िलाफत छीन कर लोगों ने अहल बैत पर जुल्म करना शुरू किया यजीद इबन माविया ने जो है उसी पैटर्न को फ़ॉलो किया उसी पात को फ़ॉलो किया कि जो उससे पहले के लोगों ने जो अहल बैत पर जुल्म कर किया यजीद यजीदबन माविया इमाम हुसैन आसमाम को जब करबला में घेर कर लाया और उसके वालिद ने भी जो है इमाम हसन को जो है बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई और उनको शहीद किया इमाम हसन जब इस दुनिया से जा रहे थे तो कासिम जनाबिम्स की ज़क़रीन फरमाते हैं रिवायत में मौजूद है कि उनकी एज बहुत छोटी थी टू या थ्री ईयर्स की थी जनाबिम जो है मैदान करबला में जो है जब आए सारे शहदा को जो है इजाज़त मिलती गई जनाब कासिम बार बार आते गए बीबी उम्मे फरवा ने कहा कि ए कासिम तुम जो है क्यों नहीं जाते जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने कहा अम्मा चचा जान इजाज़त नहीं देते जनाब कासिम अलैहिस्सलाम आए उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की इमाम ने कहा मैं तुम्हें कैसे भेज भेजूँ तुम तो मेरे भाई इमाम हसन की निशानी हो जाओ तुम जो है अपनी वालिदा बीबी उम्मे फरवा को प्रोटेक्ट करो जनाब कासिम अलैहिस्सलाम रोते हुए आए तब उन्हें याद आया कि इमाम हसन आसमाम जब इस दुनिया से जा रहे थे उन्होंने जो उनको उन्हों एक तावीज़ दिया था तो और कहा था कि जो सबसे मुश्किल घड़ी हो तब इस तावीज़ को खोलना जब कासिम ने कहा इससे मुश्किल घड़ी और क्या हो सकती है उन्होंने इस तावीज़ को खोला उसको पढ़ा उसमें में इमाम हसन ने अपने भाई इमाम हसैन आसमाम के लिए ख़त लिखा था फ़ौरन दौड़ते हुए जनाब कासिम इमाम हसैन आलम के पास गए उन्हें इमाम हसन आल्लम के उस ख़त को दिखाया इमाम हुसैन आलम की आंखों से आंसू जारी हो गए कि इमाम हसन ने लिखा था कि अय भैया हुसैन करबला में मैं तो नहीं हूँ लेकिन मेरी जानब से मेरे इस फर्जन कासिम को जो है इजाज़त देना कि वो जो है मेरी शुजात और अमीरमिन की शुजात को जो है दिखा सके इमाम हुसैन ने जो है जनाबिम को सीने से लगाया और उनसे पूछा कि अए कासिम जनाब कासिम तेरह चौदह साल की एज के थे जनाबिम से पूछा कि अए कासिम तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है जनाब कासिम बनी हाशिम के थे इमाम हसन के फरजंद इमाम ज़ादे थे उन्होंने कहा चाचा जान मेरे नज़दीक मौत शहद से ज्यादा मीठी है इट्स स्वीटर देन हनी इमाम हुसैन ने उनको गले लगाया जनाब अब्बास ने उनको तैयार किया जनाब कासिम जो है घोड़े पर सवार हुए उनके जो है वो इतने छोटे थे कि उनके पैर जो है तक जो पैर रखना होता है ना घोड़े पे बैठ के वहाँ तक भी नहीं पहुँचते थे लेकिन बाबुल हवाए जबल फजल अब्बास ने जो उनको तैयार किया मैदान जंग में जनाब कासिम गए और इमाम हसन आम की जो ब्रेवरी थी जो जंग सिफिन में इमाम हसन ने जो है लोगों को जंग दिखाई थी लोग जो इमाम हसन को कमज़ोर समझते कि उन्होंने सुलह कर ली लेकिन जिस तरह इमाम हुसैन आसम शुजात थे उसी तरह इमाम हसन आलाम की शुजात थी बस उनके हालात कुछ इस तरह थे कि उनको जो है सुलह करनी पड़ी लेकिन इमाम हसन वसन की शुजात और इमाम अमीर की शुजात को जनाब कासिमसम ने मैदान करमला में दिखाया तीन दिन के भूखे प्यासे थे लेकिन जनाब कासिम तेरह साल की उम्र में लोगों के जो है यजीदी आर्मी को कत्ल किए जा रहे थे बड़े बड़ों को कत्ल कर रहे थे आखिर में जो है लोगों ने जो है जनाब जनाबिम को घेरा अचानक जनाब जनाबिम्स ने सदा लगाई इमाम हुसैन आसमाम को मदद की जब इमाम हुसैन आल्ला इमाम हुसैन आसम जब दौड़ते हुए जनाब कासिम की मदद को जाने लगे तब लोगों में एक भगदड़ मच गई और जनाब कासिम जो है घोड़े से ज़मीन पर गिर गए और उनकी जो है लोगों ने उनकी लाश के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए और जनाब सलाम की जिंदा जो है टुकड़े हो गए जनाब कासिम कहने लगे असल या बाबा दिल्ला चचा जहान मेरी मदद को आई है इमाम हुसैन सलाम दौड़ते हुए अपने भतीजे की मदद को गए लेकिन जनाब कासिम सलाम के टुकड़े ही मैदान करबला में बिखरे हुए मिले

इमाम ज़मान आज तरज शरीफ के ुर में ताजील फरमा या मेरे परवरदिगार हम सबको इमाम के नासरीन में शुमार फरमा मेरे परवरदिगार हमारे ईमान को सलामत रख और हमें अमीर इमाम अलीब ने अबी ताल की विलायत व इमामत को जानने पहचानने और दूसरे तक पहुँचाने की तोफ़ी अता फ़रमाए मेरे परवरदिगार इस दुनिया से इस करोना वायरस पेंडेमिक को ख़त्म फरमाए मेरे परवरदिगार है मेरे अल्लाह जो रिस्क के प्रॉब्लम में मेरे परवदेगार उनके रिस्क में इजाफा फरमाए मेरे परवरिगार जो जो इस मजलिस में हलाल हाजतें लेकर आए उन सबकी हलाल हाजतों को कबूल फरमाए उनके हक हाँ में बेहतर के लिए इनशा कल के लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और इमामत पार्ट थ्री के बारे में डिस्कस करेंगे इनशा कल शाम पाँच बजे जजाकल्ला थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग व आखर दावान मर महम्मद वाल महमदौत اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم